आप अभी अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपनी लाइफ का 3 से 4 मिनट इस वीडियो पर जरूर देना। तुम जो भी कर रहे हैं ना, बस ये वीडियो तुम पूरा देखना। स्टूडेंट है, स्टडी कर रहे है या नहीं कर रहे, फिर भी ये वीडियो तुम देखना। मुझे जितना लगता है ना, आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप स्टूडेंट जरूर होंगे, स्टडी करते हैं, और आपकी सोच ऐसी होगी कि मैं जो पढ़ूँ ना, पढ़ना जरूरी है, वो अच्छे से मुझे याद हो, मुझे अच्छे से समझ आए यार टीचर क्या पढ़ाते हैं, एक बार में ही मुझे समझ आए। होता ये है कि जब स्कूल या कॉलेज में टीचर पढ़ाने लगते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आता है और ना हमें याद होता अच्छे से, वो ध्यान नहीं लग पाता है। इसका रीजन तो आपको पता होगा कि आप अंदर से क्या करना चाहते हैं, आपकी अंदर की आवाज क्या है, और कोई आपसे ये फुल्ली करने दे रहा है कि तू पढ़ाई कर बेटा, लेकिन अंदर से आप कुछ और कह रहे हैं कि मुझे ये करना है। लेकिन दोस्त ये बात भी जानना जरूरी है, पढ़ाई करना सबका फर्ज है, हर एक इंसान जो भी है, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, उसको स्टडी करना चाहिए, तभी वो कुछ कर पाएंगे, उनके अंदर नॉलेज आएगा। शिक्षा पाने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता है कि भाई तुम नौकरी पाओ, पैसा कमाओ, इसका मतलब ये नहीं होता यार। मतलब ये होता है तुम्हें दुनियादारी के बारे में पता चलता है कि दुनिया में क्या होता है। जिस दिन तुम्हें कुछ सीखने की लालसा हो गई ना कि मुझे ये चीज जाननी है कि क्या है ये सब, मुझे इसके बारे में नॉलेज लेना है, मुझे दुनिया भर का नॉलेज चाहिए, इतना नॉलेज चाहिए मुझे कि खत्म नहीं होना चाहिए। जब कोई चीज आप सीखना चाहते हैं, वो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा और अच्छे से सुनना भी चाहोगे। आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आता है कि बोरिंग है, जो भी सब्जेक्ट या जो लेसन होता है ना, सब बोरिंग होता है, पढ़ने में मजा नहीं आता है, और हम हार मान लेते हैं, चीटिंग करके हम एग्जाम में थोड़े बहुत पास हो जाते हैं। लेकिन अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता है कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ कर पाता है या नहीं कर पाता है, वो जो भी करता है ना, अपने माइंड से करता है, अपनी सोच से। तुम्हारा दिमाग कहाँ पर जा रहा है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, अगर उस चीज पर है जो तुम्हारा फ्यूचर है, तो वो वही करने लगेगा। ये मूड होता है ना, इसके बारे में मैंने बोल दिया है, ये एक जैसा नहीं रहता है, बार बार चेंज हो जाता है। तुम्हारी बॉडी को क्या भूख होती है, दिमाग वही सोचता है। फिर कोई ये गलत काम करते है ना, पढ़ाई पर मन नहीं लगेगा, फिर पढ़ने बैठते हैं तो उनके माइंड में वो गंदे विचार आते हैं, वो अश्लील विचार बोलते हैं, पहले वो गलत काम करके आता हूँ, उसके बाद स्टडी करूंगा। होता ये है, गलत काम करते हैं कुछ लोग, फिर सो जाते हैं, यही चलता है। स्टूडेंट ये गलती जरूर करते हैं। अब स्कूल कॉलेज में पढ़ने तो गए है, पढ़ाई पर ध्यान ही है, बगल में एक लड़की बैठी है ना, उस पर सारा ध्यान है, टीचर क्या पढ़ा रहे है, एक नजर उस लड़की पर है कि यार वो क्या देख रही है, उसके मन में क्या चल रहा है। ये है तुम्हारी कमजोरी। जरूरी नहीं है कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां भी ऐसी होती है। पहले ना अपने आप को ये बोलो, मुझे कुछ करना है, मुझे सीखना है, मुझे नॉलेज लेना है, मुझे जानना है सब कुछ, किताबों में क्या लिखा है, दुनिया क्या होती है, क्या होता है इस दुनिया में, लोग क्या करते हैं। जब आपके अंदर ये थॉट आएगा ना कुछ करने का और सीखने की इच्छा होगी, तो कोई नहीं रोक सकता आपको पढ़ने से। और याद आपको आसानी से वहीं से होता है जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है। मान लो आप स्कूल कॉलेज में है, कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ना, टीचर पढ़ा रहे, उसमें आपको मजा आता है और वो याद रहता है आपको, और कोई बोरिंग है वो याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, जो चीज आपको बोरिंग लगता है ना, उसको एक कहानी के माध्यम से देखो, कहानी समझो उसको, एक इमेजिन करो अपने दिमाग में, यार सच में उस टाइम ऐसा हुआ था जो मैं पढ़ रहा हूं। और मैं कहता हूं आपको ना, ये गलत काम करना छोड़ दो, देखना जब आपके अंदर एनर्जी होगी ना, जो लोग कमजोर होते हैं वो नहीं कर पाएंगे, उनका ध्यान नहीं रहता एक चीज पर। अगर आपके अंदर एनर्जी होगी, दिमाग तुम्हारा एक्टिव होगा, तुम्हें पढ़ने में भी मजा आएगा। हाँ मैं मानता हूं, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच, तुम्हारा मन आपको बार बार भटकाएगा कि पहले बेटा ये गलत काम कर दे, लेकिन नहीं दोस्त, ये कुछ टाइम के लिए दिक्कत होगी। इससे जब आपको जो खुशी मिलेगी ना ब्रह्मचर्य से, ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ को पता नहीं होता है, नीचे लिंक मिल जाएगा ग्रो लाइफ चैनल का, उसमें हमने चैलेंज लिया है पूरे साल का। अगर आप स्टूडेंट है ना, तो उस चैनल पर जरूर जाना, ये गलत काम मत करना, तुम्हें हर एक काम में मजा आएगा, पढ़ना क्या, ये तो खेल लगेगा तुम्हें।